शिवदल की ओर से होता है यहाँ पे, और माहौल देखिए पब्लिक लगी हुई भीड़ यहाँ पे। सो गाइस गुड्डा सीख रहा है बढ़िया, हनु भाई सा सेक रहा है। ये लो इस साइड पॉपकॉर्न जैसे निकल गए इसके। गुड इवनिंग एवरीवन। सो गाइस कैसे हैं आप लोग? मम्मी को ना व्लॉग स्टार्ट करा, होटल से निकलते मेरा व्लॉग स्टार्ट किया है यार, दो दिन से मेरे जैसा हो नहीं पा रहा है। ठीक है मैं व्यस्त रह रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, पर गाइस अभी व्लॉग स्टार्ट कर लिए हैं, होटल से जस्ट फ्री हुआ हूँ, बाइक चला रहा हूँ, है ना। और क्या बारिश हुई है यार आज। ठीक है मैं आपको बताते हुए चलता हूँ, आगे रोड में पानी भरा हुआ है। तो गाइस रोड गीली है, मतलब क्या शानदार माहौल हुआ था एक बार में, जोरदार गर्म सॉरी तेज हवा स्टार्ट हो गई है ना, हमारे होटल से एक सजनगढ़ टिकता है, सजनगढ़ ब्लॉक हो गया था पूरा, और जो बारिश हुई फिर दार तेज खतरनाक वाली, आगे पानी भरा हुआ है। तो गाइस सुबह से गर्मी पड़ रही थी बढ़िया वाली, आज उमस अच्छी थी, तो बारिश हुई है अभी थोड़ी ठंडक हुई, पर फिर भी गर्मी अभी है, लाइक गर्मी पड़ रही है ना। तो यार गाइस चलते हैं घर पे सीधा, घर पे चल के मिलते हैं फिर, है ना, ड्रेस चेंज करते हैं और या हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब, वेलकम टू द व्लॉग। एक्चुअली व्लॉग तो मैंने पहले स्टार्ट कर दिया था, मैंने थोड़ा बताना था क्योंकि बारिश वारिश आई थी अच्छी खासी, तो बताना था कि भैया रोड के ऊपर कैसा पानी वानी भरा हुआ है, कैसा माहौल हो रखा है, ठीक है ग्रीनरी की सारी। और तो यार अभी जस्ट घर पर आया हूँ, है ना, एंड पीते हैं जस्ट चाय, अभी मैंने कूलर ऑन कर रखा क्योंकि गर्मी हो रही बढ़िया वाली, तो थोड़ा ठंडा करते अपने आप को, है ना, रिलैक्स करते थोड़ा सा। तो एक्चुअली यहाँ पे उदयपुर में पापा का खेत है, कुत्ता भोंक रहा नीचे, सो उन्होंने क्या कि भुट्टे हो गए थे मक्की ये, तो एक्चुअली नानसा में भी उग रही है, पर नानसा जाएंगे तो वहाँ पे खाएंगे अलग से सिगड़ी में सेक के अच्छे से, पर अभी यहाँ पे मेरे पास सिगड़ी नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये देखो एक तो छिल रखा है एक बिना छिला है, तो इसको हम गैस के ऊपर ही सेकेंगे, बहुत टाइम लाइक काफ़ी टाइम बाद में ये घर पे भुट्टे खाएंगे। ओके ओ ब्लास्ट हो रहा है ये तो, फट 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 फट, अरे 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 सीखो सीखो इसको, मैं बोलो ये चिमटा भुट्टा सेक रहा है बढ़िया, हनु भाई सा सेक रहा है। ये इस साइड पॉपकॉर्न जैसे निकल गए इसके, जल गया जल गया जल गया, तो मेरे लिए सेक तो जल्दी से, इसको यहाँ से पकड़ो, इससे इससे पकड़े, मक्की खा रहा हूँ मक्की, है ना, मिट्टी है एक्चुअली, एक तो कीड़ा पड़ गया उसमें, है ना, कल और तोड़ेंगे और सेकेंगे अच्छे से, बट फिलहाल अभी एक बार ही खा रहा हूँ। ये क्या है कि हमने गैस पे सेका है, तो गैस पे इतना कुछ खास नहीं होता, पर चूल्हे के अंदर ये सिगड़ी के ऊपर सेकते ना उसका टेस्ट अलग ही आता है, तो वो भी ट्राई करेंगे, है ना, फिलहाल इसको इन्जॉय करते। मीठा है ये पर फिर भी, दो टाइप की मक्खियाँ देखते हो, वाइट मक्खी है और एक आती है वो ऑरेंज टाइप, ऑरेंज ऑरेंज मक्की। हाय गाइस, सो कैसे हैं आप लोग? एक्चुअली मैं हनु हम निकल चुके हैं बाहर, एक्चुअली कुछ काम था, ठीक है, तो उसके लिए अभी पहले हाथीपुर मार्केट जा रहे हैं, मेरे को हाथीपुर से कुछ लेना है, ठीक है, और एक्चुअली जगदीश मंदिर अभी नहीं जा रहे, जगदीश मंदिर जाएंगे हम कल, है ना। अभी क्या लेट हो चुका है, 8:30 बज रही है, तो हम महातीपुर जाने के बाद जाएंगे सीधा गणगौर घाट, थोड़ी देर गणगौर घाट रिलैक्स करेंगे। सो यार गाइस चलो चलें। हाँ सो गाइस देखिए हम आए मल्ला तला चौराया, और कल है जन्माष्टमी, तो जन्माष्टमी की तैयारी हो रही है यहाँ पे, फुल पूरा सेट है, हमें पूरा रिकॉर्ड करना है ना। हाँ। यहाँ तो यार बंद होकर जाना, तो हाँ,
गिव दे गाइस। मैं आ रहा हूँ मल्लातलाई से एंड आज इवनिंग सॉरी आज रात को 12 बजे बाद में मल्लातलाई पे होगा मटकी का प्रोग्राम है ना, जन्माष्टमी है तो मल्लातलाई में आज ही हो जाएगा, कल होगा जगदीश चौक का, तो हम कल जाएंगे जगदीश चौक देखने करने के लिए है ना, लेट होगा फिर भी जाएंगे कल। अभी तो वहाँ पर पूरा बंद कर रखा मल्लातलाई सर्किट, एक पुलिस वाले थे उनसे मैंने पूछा था, उन्होंने बताया मुझे आते बारे में, मुझे लगा कि आज नहीं कल सॉरी कल नहीं परसों फोड़ेंगे वहाँ पर, बट वहाँ फोड़ेंगे आज। तो यार एक बार चलते मार्केट, अरे 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 दब जा, अपन मालदीव स्ट्रीट में। तो गाइस जो हनु को चाहिए था वो नहीं मिला यहाँ पे, तो हम जा रहे हैं मालदा स्ट्रीट में, यहाँ पे जो चाहिएगा वो मिल जाएगा है ना। हाँ। यहाँ पे देखो शॉप तो अभी कुछ शॉप तो बंद हो चुकी है, कुछ अभी बंद होने वाली है, अभी यहाँ मार्केट जल्दी क्लोज हो जाता है, 8:30 हो गए ना, यहाँ होती भीड़ फुल। ये किसी पुराने मकान का गेट है, मिल जाएगा हाँ यही है क्या, ठीक है ओके, सेम ही है। तो गाइस गलियों के अंदर घूम घूम के हम दुकान पे आए, दुकान मैंने गनी आप रही अंदर ना, हमने so, अंदर डपा चुकी है, काफी दुकानें तो बंद ही हो गई थी। एंड मिल गया मैचिंग आपके, ओके तो गाइस ये ले लिया है और आफ्टर दैट यहाँ से निकल रहे हैं, मतलब जाएंगे यहाँ से हम लोग गनगौर घाट। हाँ जम जाएगा, ज्यादा डार्क तो नहीं है, हम आए हैं जगदीश चौक, यहाँ की तैयारी देखेगा आप कल के लिए, यहाँ पे तैयारी चल रही है। कल चलेंगे ना,
ओहो, सो गाइस आए हैं गणगौर घाट। व्यू 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 देखो भाई, तो दोस्तों गणगौर घाट आए हैं हम लोग। पब्लिक तो है यहाँ पे थोड़ी बहुत है ना, बट काफ़ी अच्छा लग रहा है एक्चुअली। स्नैप रिकॉर्ड हो रहा है। छतरी देखो, गुंबज देखो, ये बागौर की हवेली के, ये बागौर की हवेली। लेक पिछोला क्या? तो गाइस यहाँ पे बाहर मैंने फर्स्ट टाइम देखा तुर्की, वो होता ना आइसक्रीम, उस टाइप का आइसक्रीम भी का भी वो खोल रखा कुछ। वो अभी ट्राई नहीं करूँगा, कभी फ्यूचर में ट्राई करेंगे, फिलहाल तो भी एंजॉय कर रहे होंगे। वैसे व्यू भी काफ़ी अच्छा था, दिल्ली से ही बनती है, इधर मंदिर है। तो गाइस हम आए हैं गणगौर घाट है ना, और अलग सेक्शन पे आया थोड़ा सा। सो जगदीश चौक होते हैं आए हैं हम लोग एक्चुअली, एंड अभी से ही जगदीश चौक पे पुलिस की पहरेदारी है। जितनी मला गले पर नहीं अभी फिलहाल, उससे ज़्यादा जगदीश चौक पे। आई डोंट नो कल तो क्या ही होगा, कल तो भसड़ होगी जोरदार वाली। सो गाइस ये है बागौर की हवेली, अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी एक्चुअली। ओ ये आवाज़ क्या आई थी, वो सुनी निकाली थी आवाज़। कैसे बोलो? तो गाइस गणगौर घाट पे ये तुर्की आइसक्रीम वाला है, बहुत अजीब अजीब आवाज़ निकाल रहा है, जो भी है निकाल रहा होगा। हम तो हमारे निकलते हैं घर पे, ओके, एंड या अभी जाएंगे वहाँ पे मला तलाई पे, तो वो होगा बंद, पुलिस वाला बंद कर रखा होगा। देखते कोई इंटरनेट ढूंढने का रास्ता, कोई दूसरा उसके लिए। बाकी गणगौर घाट की डिजाइन चले। तो गाइस कल हमारा एक्चुअली शाम को था जगदीश चौक आने का, पर कल हम मैं नहीं आ पाऊँगा क्योंकि मेरी आफ्टरनून शिफ्ट है, तो मैं मॉर्निंग सॉरी 1 बजे जाऊँगा दिन में, तो रात को 10 बजे फ्री होऊंगा। और कल नहीं है जगदीश चौक पे, परसों है दही हंडी का प्रोग्राम, परसों देखने आएंगे। शिवदल की ओर से होता है यहाँ पे, और माहौल देखिए पब्लिक लगी हुई भीड़ यहाँ पे। हाय एवरीवन, सो गाइस पम्मी बना घर पे आ गए हैं है ना। सो
तो बड़ा कंफ्यूजन था दही हंडी को लेके फॉर जगदीश चौक, क्योंकि मुझे जगदीश चौक की देखनी है। अगर मुझे मल्ला तलाई की देखनी होती तो मैं आज ही देख लेता, पर मुझे मल्ला तलाई की नहीं जगदीश चौक की ही देखनी, क्योंकि मैं हर बार मिस कर लेता हूँ और इस बार जरूर देखूंगा, है ना। तो ये है कि जगदीश चौक की जो दही हंडी होगी आज जो है, आज शाम को जगदीश चौक में 21 तोपों की सलामी ऐसी कुछ है रात को होगी, तो वो दी जाएगी। और दो दिन बाद मतलब कल नहीं और परसों दही हंडी होगी, आज मल्ला तलाई पे हो रही है, ठीक है। वहाँ पर तो बहुत जोरदार क्राउड था। सो गाइस अभी तो मैं घर पे आ चुका हूँ, अभी डिनर करेंगे और रेस्ट करेंगे, सोएंगे, जस्ट बिकॉज कि यार थोड़ी पूरे दिन की थकान होती है, तो कल और वीडियो एडिट भी करनी मुझे आज की, है ना। वीडियो एडिट करके ही सोऊंगा क्योंकि सुबह वैसे होती नहीं है, है ना। तो सुबह जल्दी उठना मुझे, है ना। और कल का मेरा ये है कि कल शाम को मैं ड्यूटी करके आऊँगा, उसके बाद आई थिंक मैं हेमसा एंड अजू बना वापस मिलेंगे और शायद निकल सकते हैं बाहर, लाइक नाथद्वारा जा सकते हैं। कल नाथद्वारा का अच्छा प्रोग्राम रहता है, तो क्या पता नाथद्वारा जा सकते हैं, तो वो कल डिसाइड होगा, अभी तक फिक्स नहीं है। सो गाइस आज के व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, है ना। सो या प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना। तो आज की वीडियो को यहीं फिनिश करता हूँ, मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।